there. When first time you I know him very well. He is designed for me only. He knows the collection. I know this collection. Okay. सो संदेश को मैं जानता हूँ उस टाइम से जब हमारी दोनों की शुरुआत टीवी से शुरू हुई थी. वो एक शो कर रहे थे जहाँ पर मैं एज अ कोरियोग्राफर था जी टीवी पे, और वो भी कंटेस्टेंट्स का यू नो काम कर रहे थे. और मुझे उनका काम बहुत पसंद आया, एंड आई थिंक आई एम द फर्स्ट सेलिब्रिटी यू नो क्लाइंट वेयर वी कोलैबोरेटेड, और हमने बहुत सारे यू नो न्यू लुक्स पैदा किए. डांस इंडिया डांस सीजन 1, 2, 3 के सभी जो कॉस्ट्यूम्स संदेश नवलख ने किए, हर एक कॉस्ट्यूम मेरा जो है, चाहे वो पगड़ी से हो, चाहे वो वेस्टकोट्स हो, चाहे वो धोती हो. वो एक ज़माना था जब हम लोग ने यू नो वो एक कोरियन स्टाइल धोती यू नो वो कौन सा धोती पैंट बनाया था, धोती सलवार एंड धोती. जब से हमने जो भी चीज़ हमने टेलीविजन पे बनाई है, इट हैज़ बीन इन द फैशन, लाइक वेदर जोधपुरी पैंट्स, वेदर सलवार, और यू कैन टॉक अबाउट द फुटवेयर. मतलब पेरेंट्स यूज्ड टू गेट हिज फुटवेयर डिजाइन विद द आउटफिट्स, सो दैट वाज जस्ट अमेजिंग. या एब्सोल्युटली. जब उन्होंने मुझे वो मैसेज किया कि मैं ये स्टोर खोल रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई. बिकॉज यू रिमेंबर कि मैंने पाँच या सात साल पहले बोला था कि संदेश क्या यार, अभी यू नो इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ स्टोर ऑफ योर ओन. आई वॉन्ट यू टू हैव अ स्टोर ऑफ योर ओन. कुछ ना कुछ करके तू एक स्टोर खोल अपना. I remember telling him this as a Sandesh, kuch kar, kuch kar. I do remember his word, and he used to always tell me, yes, this should be there in the market. Like, Je, tumhare jo kapde hai, wo thode alag hai, and because you have a certain sensibility also, because gents ke jo designers hai, bahut kam hote hai. Ladies ke bahut hai, lekin gents ke agar puchhe jai, to bahut kam hote hai, because demand aur supply bhi hota hai na, ki hum aadmiyon ke liye kya ek shirt pant pehne nikal gaye. Wo hume koi farak nahi padta ki humne wohi kapda 3 baar pehna hai. You know, even with male celebrities, I don't think like, you know, I'm going to think कि अच्छा मैंने ये पहना था, अभी ये नहीं पहन सकता, क्या फ़र्क पड़ता है. कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ वही पहन रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है. आई डोंट थिंक इट डेफो somehow मेल डिज़ाइनर्स के लिए भी ऑल्सो वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जेंट्स आर एज सच नॉट सो सैवी विद यू नो बाइंग क्लोथ्स. फॉर मी ऑल्सो इट वॉज ऑलवेज अ फन टू वर्क विद हिम, लाइक इट वॉज लाइक ही हैज़ गिवन मी ओपन स्पेस. And many a times I have told him that you've been an institution for me when it comes to fashion and styling. If I always say if Terence Lewis would not have been a choreographer, ace designer, he would have definitely been. हम लोग sketch करते थे. He's superb in sketching. वो बोलते croquet. तो मतलब कि sketch करके दिखा क्या बनाने वाला next. तो he's doing the sketch. फिर वो कपड़े का sample लेकर आता था. मतलब तो fabric कि हम लोग कौन सा fabric use करेंगे. We never use any ready-made stuff. He always made stuff for me. Yeah. मेरे लिए टेरेंस हैज ऑलवेज बीन एन एक्साइटमेंट चैलेंज. यस चैलेंज, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज डैम श्योर वैन आई एम मेकिंग समथिंग फॉर टेरेंस इज गोन टू बी समथिंग न्यू फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द मार्केट एज वेल. लाइक एन हिज मेनी स्टाइल, इफ आई सी, इफ आई कनेक्ट टू DID 1, DID 2, DID 3, आई स्टिल सी दिस पैशन टू बी देयर इन द ट्रेंड. बहुत सारे बच्चे कॉपी करते थे यू नो हेयर स्टाइल्स और जूतों से लेकर वो फटे हुए यू नो जीन्स पहनना. इवन एक टाइम हम लोग ने अलग अलग जूते पहने थे ना, रेड एंड येलो. डिफेक्ट्स हैव ऑलवेज बीन इफेक्ट्स, सब जीवन हमारे सब डिफेक्टिव चीजें जो थी वो लोगों को बहुत पसंद आता था. इट वॉज अ नाइस थिंग, इट वॉज थोड़ा एक्सपेरिमेंट. अब मैं थोड़ा कम एक्सपेरिमेंट करता हूँ, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, अब थोड़ा सेफ चलता हूँ. बट व्हेन आई वाज यंगर, आई थिंक आई वाज क्रेजी, एंड या इट वाज अमेजिंग, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये ऐसा दैट टू इन जुहू ऑन 10th रोड. I was like, wow, ne address pad gaya 10th road. Wow, superb. I'm super happy for him. Super happy. Good luck. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Picture send. Ab aaram se. सर होल्ड सर होल्ड 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 होल्
सर थोड़ा सा फेसिंग चलन सर भाई वो वो असली हीरो तो यहाँ है और इस तरफ फोटो करते ना साथ में दोनों का हाँ चलो क्या सर चलो सेंटर सर राइट लेफ्ट में आएंगे ओके चलो आई सी गाइस बाय एंजॉय म्यूजिक सर पिक्चर जल्दी सर थैंक यू ऐसा है बिल्कुल संदेश नवलखा और मैं जो हैं हम लोगों ने 10 साल पहले शुरुआत करी थी और मैं एक शो करता था घर घर में और वहाँ पे जितने भी कपड़े थे संदेश ने बनाए और तब से लेके आज तक मेरे सारे कपड़े संदेश ही डिज़ाइन करता है एंड थैंकफुली इंडस्ट्री में बड़े लोग हैं जो पसंद करते हैं मेरे स्टाइलिंग सो ये है वो आदमी जिन्होंने इतना अच्छा स्टाइल दिया है मुझे सो वेरी हैप्पी और फाइनली इनका स्टोर लॉन्च है आज वेरी वेरी हैप्पी आई थिंक बिग डे बिल्कुल मैं आज थोड़ा सा बल्कि मैं इनको शक की नज़र से देख रहा था कारण कि आज अंदर और कमाल का सामान था तो मैंने कहा चलो अच्छा है मुझे और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलने वाले नहीं जबकि फैक्ट ये है कि हमने जब सारे कमाल जो लोगों ने देखे और लोगों ने अप्रिशिएट किए वो इन्हीं की वजह से हुए बिकॉज आई ऑलवेज कॉल हिम लाइक अ टेलर मेड बॉडी लाइक वॉट एवर ही वेयर्स लाइक लिटरली मेरे को अदर सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू मेक सूट्स लाइक मनीष फॉर अस जबकि इट्स मनीष हू जस्ट कैरीज माई सूट्स वेरी वेल
and it has been really 10 years long association. And today, like, we've started like way back, and today, like, it's like people know me because of Manish. Like, acha, Manish Paul's designer. So it has always been a pleasure. लेकिन आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, सो आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने चलो फाइनली स्टोर इज देयर. सो जो लोग मेरे सूट पसंद करते हैं, दिस इज द प्लेस. संदेश नवलखा, थैंक यू सो मच. आज डिफरेंट अटायर में आपने प्रेजेंट किया है मनीष. ये भी संदेश ने बनाया. ये भी संदेश आपने बनाया है. ये भी बताइए कि क्या है, डिफरेंट है टी-शर्ट में एंड ऊपर से. मनीष का हमेशा रहता है कि हर सीजन में आई शुड गो समथिंग एल्स, आई शुड ट्राई समथिंग एल्स. झलक में हमने इतने सारे सूट्स कर दिए थे. दिस टाइम एक थॉट था कि नहीं, हम लोग सूट्स को ब्रेक करके कॉलर वाली टी शर्ट. इवन मैंने भी थोड़ा हेजिटेशन किया था कॉलर वाली टी शर्ट, बट लोगों ने अप्रिशिएट करना चालू किया एंड दैट इज़ बिकम अ ट्रेंड नाउ. पीपल आर लिटरली, मतलब बाकी के शोज हम जब देखते हैं तो लगता है कि कोई कॉपी करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पाया. हाँ, मतलब उन्होंने काफ़ी ये सब भी कॉपी करने की कोशिश करी, जो स्ट्राइप्स हैं, बट वो बात आ नहीं पाई. जी, मैंने तो इस सीज़न बहुत पहले स्टार्ट कर दिया, मेरी शादी बहुत पहले. नहीं, अच्छा लग रहा है, पीपल आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक इट, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड थिंग. मुझे पहले लोग बहुत बोलते थे तुमने बहुत जल्दी शादी कर ली, तो मैंने कहा आज भी करनी थी, पहले ही कर ली. आई थिंक मत सेटल. थैंक्स टू द पार्टनर, बिकॉज आई थिंक सेम रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. थैंक्स लॉट यार, थैंक यू. संदेश मेरा बहुत पुराना दोस्त है और करीबन 4 साल से 5 साल से वो मुझे डिज़ाइन करता आ रहा है. एंड मुझे तो यहाँ आना ही था, ये मेरी दुकान है मेरे भाई. और मेरे को तो लग रहा है कि मैंने अभी 2-3 कोट ट्राई करे हैं, सब तूने मेरे साइज़ की बनाए हैं सब कुछ. इज मेड सो मेनी थिंग्स फॉर मी, बट देन आई बिलीव इन स्टेज एंड ही इज़ गॉट अ फैंटास्टिक. सबसे बढ़िया बात क्या है कि मैं संदेश को 2-2 घंटे का टाइम देता था. जब मैं अमेरिका के टूर के लिए जा रहा था तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने मतलब एक्सट्रीम इसने 2 घंटे के अंदर मेरे को चीज़ तैयार करके दी है. एंड हर वक्त सारे गामा के अंदर आप देखो, मैं अलग अलग जो पहनता था वो पहनता था सब संदेश के एडवाइस पे. और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है. एंड आई थिंक बॉलीवुड और ये लोगों के लिए ये स्पेशलाइज है, मतलब जो जाते हैं लोग बाग ज़्यादातर जो सूट वूट. देखो अभी देखो, ये देखो स्टाइल है. मैं तुम्हें डिफरेंट नहीं लग रहा है ना? मैं भी डिफरेंट ही हूँ. साजिद भाई हैज ऑलवेज बीन रियली ग्रेट व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक आल्सो एंड एज वेल एज डिजाइनिंग. ही हैज दैट डिफरेंट एक्स फैक्टर व्हेनेवर ही इज ईदर डिजाइनिंग द म्यूजिक और हिज क्लोज. हिज क्लोज हैव सम मैडनेस ऑलवेज एंड इट इज अ लास्ट मिनट आइडिया बिफोर गेटिंग ऑन द स्टेज. ही यूज्ड टू से नहीं यार ये नहीं चलेगा कुछ, लेट्स हैव सम अदर मैजिक एंड इट हैड वर्क फॉर हिम. कोई प्रेशर वेशर नहीं पड़ने वाला है, ये प्रेशर वाली पार्टी नहीं है. प्रेशर वेशर कुछ नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ. मैं तो ये सोच रहा था कि संदेश इज लेट, इनको 2-3 साल पहले ही ये सब चालू कर देना चाहिए था, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड विद हिज वर्क एंड ही नोज पीपल. ही इज़ द वे ऑफ डीलिंग विद पीपल इज फैंटास्टिक. कभी किसी चीज़ किसी वजह से प्रॉब्लम नहीं, कभी ना नहीं बोलता, हमेशा हाँ रहता है. एंड ही इज़ वेरी डिसेंट गाय, इज़ अ वेरी नाइस गाय और आई थिंक ही डिजर्व दिस शॉप एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स इन माई एरिया. तो मेरा तो हाँ आना जाना है, चक्कर रहेगा. फिर नेक्स्ट टाइम तुम्हारे इंटरव्यू में खड़ा रहूँगा तो समझ जाना इसका सूट पहना. साजिद जी के लिए वाजिद प्रेजेंट करने वाले. चल भाई.
Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.